जेएक्स न्यूज़ छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। टिकट वितरण को लेकर बवाल, बीजेपी के घोषित प्रत्याशी को बैठक से किया गया बाहर। टिकट नहीं मिलने से नाराज नेता बोले, हार होगी हार होगी हार होगी। गरियाबंद राजन विधानसभा में प्रत्याशी घमासान जारी है। मतदाता सूची पुनरीक्षण के बहाने डैमेज कंट्रोल के लिए आयोजित कोर कमेटी की बैठक में पहले प्रत्याशी रोहित साहू को बैठक कक्ष से बाहर जाने कहा गया। फिर धर्मलाल कौशिक के सामने नाराज नेताओं ने अपनी भड़ास निकाली। नेताओं का कहना है कि जिसे पार्टी में आए 2 साल हुआ है, जिसके परिवार का भी वोट अब तक भाजपा को नहीं मिला, वो भाजपा का प्रत्याशी कैसे हो सकता है। गरियाबंद से जगदीश यदु की रिपोर्ट। राजिम विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जिस व्यक्ति को टिकट दे है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बार वोट नहीं दिया है। मेरे पूर्वज ने पूरे जीवन जवानी तपस्या किए, मीसाबंदी रहे। मेरे पिताजी श्री प्रेम लाल सिन्हा जी हेड मास्टर को इस्तीफा जी जनसंघ में आए, मैं भी उनके पद चिन्हों में आकर इतने वर्षों से कम मैं 48 साल से काम कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का। आज भी सक्रिय हूँ सबसे ज़्यादा से ज़्यादा। फिर भी आज जो टिकट वितरण राजिम विधानसभा भारतीय जनता पार्टी ने करी है वो बिल्कुल बिल्कुल गलत है। यदि पार्टी टिकट नहीं बदली तो निश्चित रूप से हार होगी हार होगी हार होगी, मैं ऐसा मानता हूँ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।